हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप कि सब लोग मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा हट के होने वाला है, बहुत ही ज्यादा अलग होने वाला है, बिकॉज कि अपन आ चुके हैं गांव पे एंड अपना गांव है मुसरी घरारी। तो आज उसके बारे में बताएंगे क्या है स्कूल कॉलेज, मतलब शॉप वगैरह कितने हैं एंड एजेंसी कितने हैं, ऑलमोस्ट हर वो छोटी से लेकर बड़ी चीज तक अपन डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो पे चलते हैं और देखते हैं क्या है क्या सीन नहीं है। क्यों नहीं, करते हैं शिक्षा से, बंद करो मजाक था। सबसे पहले बात करते हैं खाने पीने के सामान पे एंड फैशन के सामान पे। अभी मजा आएगा ना। सबसे बड़ा होटल जो है मुसरी घरारी का वो बाबा लैंड होटल है, जो कि दलसिंह सराय रोड में थाना से ऑलमोस्ट आप 20-25 कदम चलिएगा तो उसके अपोजिट साइड में। और दूसरे नंबर पे जो आता है कालीचरण है, जो कि बस स्टैंड के ठीक सामने है। और तीसरे नंबर पे मेरे हिसाब से अमरपाली स्वीट आता है, जो कि पटोरी रोड में है। ठीक है, ये सब मतलब जगह बताने की जरूरत नहीं, आप किसी भी व्यक्ति से पूछिएगा, किसी भी पर्सन से पूछिएगा तो वो बता देगा कि ऐसे ऐसे यहाँ पे है। ठीक है, तो मेरे को जगह बताने और डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कि ये अपने आप में बड़ा, मतलब बड़ा होटल या पैलेस या कुछ भी जगह बोल लीजिए वो है। ये भी ठीक है। चलिए आप बात करते हैं अपने मुसरी घरारी में कितने एजेंसी है। पहले 4 थे बट अब 3 हो चुके हैं, जो कि हीरो एजेंसी बंद हो चुका है, 3 ही बचे हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा एजेंसी जो है वो राहुल टीवीएस है, आई थिंक मेरे हिसाब से, जो कि दलसिंह सराय रोड में स्थित है, पेट्रोल पंप के ठीक बाजू में है, वहाँ पे पोस्ट ऑफिस भी है। ऐसे जो भी मैं पैलेस की बात कर रहा हूँ, जो भी एजेंसी वगैरह की बात कर रहा हूँ, शॉप की बात कर रहा हूँ, वो अपने आप में इतना फेमस है कि आप कहीं पे भी किसी भी बंदे से पूछोगे, किसी भी पर्सन से पूछोगे तो वह डायरेक्ट बता देगा राहुल टीवीएस किधर है। ठीक है, तो मेरे को इतना डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बट मैं फिर भी डिफाइन कर रहा हूँ नए लोगों के लिए। ठीक है, और दूसरे नंबर पर जो आता है वो बजाज एजेंसी है। ठीक है, वो पटोरी रोड में ऑलमोस्ट आपका शंभू जी के दुकान के ठीक सामने, गैलेक्सी कोचिंग के ठीक सामने है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे जो आता है वो नीलम हुंडा है, जो कि बाबा धर्म काटा के ठीक बाजू में है। तो अब अपन बात करते हैं पहनने ओढ़ने के बारे में, कपड़े लत्ते के बारे में, कि सबसे बड़ा दुकान कौन सा है, सबसे छोटा दुकान कौन सा है। छोटे के तो बारे में बताएंगे नहीं, बिकॉज के बहुत सारे हैं, दिन से रात हो जाएगा अपन बता नहीं पाएंगे इतने सारे दुकान। क्या सोच है। सबसे पहले जो आता है वो है पटोरी रोड में अजीम फैशन जी का दुकान, और दूसरे नंबर पे जो आता है मेरे ख्याल से वो भी पटोरी रोड में है, A1 फैंसी वस्त्रालय, जो कि फिरोज जी के मार्केट में है। तीसरे नंबर पे जो आता है वो है दलसिंह सराय रोड में, थाना के ठीक अपोजिट साइड में नाज वस्त्रालय करके है, तो उनके यहाँ भी आप जाके एक बड़ी विजिट कर सकते, देखे क्या सीन है क्या सीन नहीं है। एंड मैं कहीं भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप यहाँ जाइए आप वहाँ जाइए, आई हैव नो आइडिया। मगर क्यों। चलिए आप बात करते हैं हॉस्पिटल कितने हैं अपने मुसरी घरारी में। तो अपने मुसरी घरारी में जो बिग हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल जहां ऑलमोस्ट सारे इलाज हो पाते हैं, नंबर 1 पे जो आता है वो विजय जी का हॉस्पिटल है, विजय सर का हॉस्पिटल, जो कि ताजपुर रोड में बस स्टैंड के ठीक मतलब अपोजिट साइड में स्थित है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है AK झा का हॉस्पिटल, वो भी ताजपुर रोड में है, मतलब बस स्टैंड से थोड़ा सा पहले है, उसी मतलब अपोजिट साइड में नहीं, उसी साइड में है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आता है बिश्नोई जी का। मुसरी घरारी में पेट्रोल पंप कितने हैं, तो मेरे हिसाब से 3 है, 3 ही है मेरे हिसाब से, नहीं सबके हिसाब से 3 ही। ठीक है समरिया। सबसे जो नंबर 1 पे आता है वो मेरे हिसाब से समस्तीपुर रोड में जो है जगदम्बा पेट्रोल पंप वो आता है। दूसरे नंबर पे है दलसिंह सराय रोड में स्थित है, वो मतलब चौराहा से आप लोग 50 मीटर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, उसका नाम गोयनका है। और तीसरे नंबर पे जो आता है वो है नायक, वो ताजपुर रोड में स्थित है, बस स्टैंड के ठीक बाजू में। तो अपन आप बताते हैं कि बस स्टैंड मुसरी घरारी में किधर है। तो चौराहा से अगर समस्तीपुर रोड से आ रहे हैं तो राइट साइड में ऑलमोस्ट आप 50 मीटर चलेंगे या 100 मीटर चलेंगे तो बस स्टैंड वहीं पे स्थित है। आप दूसरा जो है थाना, जो कि थाना उठ के जा रहा है, चौराहा के ठीक बाजू में थाना स्थित है, बट वो जा रहा है पेठिया पे, वो ऑलमोस्ट पटोरी रोड से आप 1 किलोमीटर जाएंगे आगे तो वहाँ पे भी नया थाना स्थित हो रहा है, नया थाना बन रहा है, मेड बाय किया जा रहा है सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। वाह मोदी जी वाह। एजुकेशन सिस्टम के बारे में, कितने कोचिंग सेंटर हैं मुसरी घरारी में स्थित है। सबसे नंबर 1 पे आता है मेरे हिसाब से एजुकेशन गैलेक्सी, जो राहुल झा चला रहे हैं। दूसरे नंबर पे आता है वो तबरेज सर जी का कोचिंग है, कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर। और तीसरे नंबर पे आता है इमराज का, वो यूथ कोचिंग सेंटर।
स्कूल कितने हैं मुसरी घरारे में? तो सबसे एक ही स्कूल बहुत सारे हैं, ढेर ढकी है, बट जो अफिलिएटेड है वो एक ही है, ग्लोबल विजन एकेडमी, जो कि एलोथ में स्थित है, समस्तीपुर रोड में, ठीक है। ये अपने आप में मतलब एक बड़ा जगह है, तो वहाँ पे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कहाँ है कैसे है, ये सब डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं, किसी से भी पूछोगे डेट सेट वहाँ पे है, चले जाइए, बता दिया कोई भी। और दूसरा जो है सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, वो अल्फा पे है, एक ही है, अपन चौसीमा वगैरह या इसको बस स्टैंड को जो पीछे है वो सबको अपन नहीं लेंगे। समझ गया। अब अपन बात करते हैं जनरल स्टोर के बारे में, खाने पीने के दुकान के बारे में। तो मेरे हिसाब से जो मुसरी घरारी में दो ही है जो मतलब बड़ा पैमाने पे है, मतलब ठीक ठाक उसका वैल्यू भी है, जानते भी है बंदे लोग। तो मेरे हिसाब से पहला नंबर पर आता है कौशर जी का दुकान, जो कि पटोरी रोड में स्थित है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आता है शंभू जी का दुकान, ठीक है, वो भी पटोरी रोड में स्थित है, ऑलमोस्ट चौराहा से 100 मीटर 200 मीटर जाओगे तो अवेलेबल हो जाएगा, बस डेट सेट। और ऐसे बहुत सारे हैं, ढेर ढकी है, एंड ऑफकोर्स मेनी मोर है। तो अपन बात करते हैं आरा मिल मुसरी घरारी में कितने हैं, जहाँ पे लकड़ी वगैरह चीरा जाता है, चौकी वगैरह, अरमाली, खिड़की, मतलब हर चीज बनते हैं लकड़ी के सामान, वो अपन उसके बारे में बात करेंगे। तो अपन के हिसाब से नंबर वन पे है फिरोज जी का, जो जामा मस्जिद के निकट पटोरी रोड में स्थित है, जो कि 200 मीटर चलोगे चौराहा से तो आ जाएगा। और दूसरे नंबर पे आते हैं महमूद जी का दुकान, उन्हीं के ब्रदर है, तो उनका दुकान ताजपुर रोड में स्थित है, पेट्रोल पंप जो है, नायक पेट्रोल पंप है ना, नायक पेट्रोल पंप के ठीक सामने में जो एक रोड गया हुआ है, गली गया हुआ है, उन्हीं में उनका दुकान है। और तीसरे नंबर पे जाते हैं कमलेश्वर शर्मा का दुकान है, जो कि ताजपुर रोड में स्थित है। शाबाश बेटा। एक माइंड में एक सजेशन आया कि आप ये भी बता देना, ये बताना नहीं चाहते थे बट आपन ने सोचा कि बता देते हैं। वो जो होम्योपैथ का डॉक्टर होते हैं ना, जो अंग्रेजी दवा से हट के होते हैं, वो मेरे हिसाब से दो हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, ढेर ढकिया भतेरे हैं, बट मेरे हिसाब से जो पॉपुलर है मुसरी घरारी में दो ही हैं, एक आर के पांडे का हो गया, एक फरहान डॉक्टर हो गया। तो अब अपन बात करते हैं बाइक वगैरह जो खराब हो जाता है, तो भैया जी किधर अपन पार्ट्स मिलेंगे, ठीक है, किधर ये सब के पार्ट मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से दो दुकान मैं सजेस्ट करूंगा। पहले नंबर पे आते हैं भैया जी जावेद भाई का दुकान है, एंड रॉयल ऑटो के नाम से है, जगदम्बा पेट्रोल पंप के ठीक सामने है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो है वो अमर सीट मेकर है, ठीक है, वो है अमरपाली स्वीट के सामने, पटोरी रोड में स्थित है, डेट सेट। मोबाइल दुकान मुसरी घरारे में कितने हैं भैया जी? देखो सब कुछ ढेर ढकिया है, शौक से भी ज्यादा होगा, ठीक है, अपन गिनती करने पे आए तो, बट जो फेमस वन है अपन उसी के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसी के बारे में बता रहे हैं। पहले नंबर पे आता है वो है राजू कंप्यूटर, जो कि पटोरी रोड में बजाज एजेंसी के नीचे स्थित है, ठीक है, या ऊपर स्थित है। और दूसरे नंबर पे जो आता है वो है समीर कंप्यूटर। मेडिकल शॉप मुसरी घरारे में कितने हैं? वैसे तो बहुत है, मैं बार बार ये शब्द इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि हर चीज मुसरी घरारे में बहुत ज्यादा है, बट जो फेमस है उसी के बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूँ। पहले नंबर पे जो आते हैं वो घोड़े दादा का हिंड मेडिकल है, जो कि समस्तीपुर रोड में स्थित है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो आता है वो बिहार मेडिकल है, जो पटोरी रोड में अमरपाली स्ट्रीट के अपोजिट साइड में स्थित है। अब अपन बात करते हैं कि मुसरी घरारी में कितने एटीएम है। तो मेरे हिसाब से 5 एटीएम स्थित है, दो गो इंडिया नंबर वन का एटीएम है, एक एसबीआई का एटीएम है, एक है यूनियन बैंक का, और यूनियन बैंक के ठीक अपोजिट साइड में आईसीआईसी एटीएम स्थित है। तो यार यहाँ पे वीडियो बनाने में थोड़ा सा हल्ला शोर गुल हो रहा होगा, बिकॉज कि यहाँ पे रोड है बाजू में, दिखाइए रोड को, दिखाइए हर दम बहुत जाता रहता है, ये है रोड खराब, इसके बारे में भी अपन अच्छे से इसको बजाएंगे, क्या सीन है क्या सीन नहीं है रोड का, बजाएंगे मजा लेके बजाएंगे। अपने मुसरी घरारे में तीन बैंक है, ठीक है। सबसे नंबर वन पे जो आता है, सबसे नंबर वन पूरे इंडिया का नंबर वन पे एक ही बैंक है, एसबीआई का, ठीक है। तो अपने मुसरी घरारे में भी नंबर वन पे वही आएगा, तो एसबीआई का बैंक है, दलसिंहसराय रोड में स्थित है, पेट्रोल पंप के ठीक सामने। और दूसरा आता है यूनियन बैंक का, समस्तीपुर रोड में स्थित है, ठीक है। और एसबीआई का एटीएम भी वहीं पे है, तो अपन ने एटीएम जिस टाइम में बताया था अपन ने उस टाइम में डिस्क्राइब नहीं किया था एटीएम कहाँ पे है, तो जहाँ पे बैंक है वहीं पे एटीएम है, ठीक है। तो ऐसा मैं सोचता है कि एटीएम कहीं और है और बैंक कहीं और, वहीं पे है। और तीसरे नंबर पे जो है वह ग्रामीण बाबा होटल के बगल में स्थित है। दूसरी घरारी में दो विवाह भवन स्थित है, पहला हो गया वस्तु विहार के ठीक निकट में, उसका नाम है नागमणिका, ठीक है, एंड वो समस्तीपुर रोड में ही स्थित है, वस्तु विहार भी समस्तीपुर रोड में ही स्थित है। दूसरा हो गया बाबा धर्म काटा के ठीक बगल में है, बाबा धर्म काटा भी एक है अपने यहाँ पे, उसी के ठीक बगल में एक अभी नया खुला है विवाह भवन है, बैंकुट टाइप का है, ठीक है। एंड बाबा धर्म के ठीक बगल में एक रेस्टोरेंट भी खुला है, मेरे ख्याल मैंने अभी तक विजिट नहीं किया हो, अगर यहाँ पे आप रहते हैं कुछ दिन से जाकर विजिट करेंगे, क्या सीन है कैसे है। गाइस एक चीज छूट गया था, अपने मुसरी घरारी में बहुत बड़ा सा एक सब्जी मंडी भी जो कि पटोरी रोड में स्थित है। देखो डियर लोग, भाई लोग, ऐसा है कि अपन को इतना भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुसरी घरारी में क्या है, कहाँ पे है, किधर है, बट अपने तरफ से अपन ने 100% दिया है, एंड जो भी कुछ छूट गया है, छूटा बड़ा है, अगर आपको लगता है कि नहीं बताया ये बंदा,
कमेंट में पिन करो, कमेंट में बताओ किधर है, नहीं है वो कमेंट पढ़ लेंगे सब्सक्राइबर लोग, या जो भी जिनको भी जरूरत होगा वो कमेंट पढ़ के वहाँ पे चले जाएंगे, विजिट कर लेंगे। तो जल्दी से कमेंट करो और बताओ अपन को, अपन भी जान जाएंगे भैया जी इधर ये सामान था, अपन का छूट गया, ये शॉप था छूट गया, डेट्स इट। और यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड। वीडियो पसंद आई है तो दबा के मारो शेयर, दबा के मारो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना भैया जी, मोटिवेशन बढ़ता है, अपन भी चौड़े होकर बोलेंगे 3 लाख सब्सक्राइबर, तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो।